Wow, chata in kayar, gaja. Oh, this one, beautiful. This one. Yeah, very nice. Vietnam. Wow. बहुत ही मजेदार है यार, बहुत सुंदर है, मजा आ रहा है देखकर। ये इनको देखिए, गजब यार। हाँ, बुद्धिस्ट फ्लैग हर जगह लगाया हुआ है, इन्होंने भी पहना है। हाँ, हर जगह बुद्धिस्ट फ्लैग लगाए हुआ है, जैसे कि बुद्ध पूर्णिमा है। पता नहीं ये छतरी धूप से बचाता है कि इनका कुछ ट्रेडिशन या कल्चर कुछ है, मालूम नहीं यार। पूछना भी बेकार है इन लोगों को, उतना बोल समझ में नहीं आ रहा था यार। ये देखिए, ये सब फ्लैग्स देखकर आपको क्या कुछ याद नहीं आ रहा यार? कुछ मैं बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज में हूँ ऐसा कुछ। इसी के लिए एक जगह देखता हूँ। काफी हल्का है यार, एक ले लो साइज। कौन सा सही रहेगा, लाल तो नहीं पहनना है। ये अच्छा होगा लग रहा है यार। ओके ओके, ट्राई करके देखते हैं यार, मेरे साइज के पता नहीं कितने के हैं यार। ओके ओके, बट दिस वन शॉर्ट। ओके 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 ओके, बेचने के लिए तो ओके बोलेंगे यार। ओके, not fine. How much? 300. Oh my god, very expensive. 300. So last price? No. No? What is the last price? How much? How much last? One. How much is this? 300. Oh no. बार्गेनिंग तो करना पड़ेगा। बट एक्सपेंसिव। 280 ओके। नो। 250। ओके 150। नो नो। 150। नो नो। 150 ना। 150,000 डोंग में ये मिलेंगे भाई साहब, जो कि मुझे पसंद नहीं आ रहा है। 150 नो। This is 150 ओके। No. Okay, I give you 150. 250. नहीं दे रहा यार। 250. अच्छा तो लग रहा है यार, देखते हैं। 250. No, 200 is okay. 220. हाँ। 220. 220 या 240. No, no, 220. 220. Okay, 220 डॉग में ले लिया हूँ, पता नहीं कितना महंगा पड़ा कि सस्ता है वैसा। Okay. 220. पैकिंग करेंगे यार, पैकिंग करेंगे। क्या बोल रहे, पता नहीं मेरे को थक गया कि बोल रहा है, पता नहीं यार। 2020 डोंग में लिए है, नहीं 220,000 डोंग। 220 ओके, यू कैन चेक। ओके। बहुत ज़ोर से भूख लगी थी भाई, जैसे वो इतना पहाड़ चढ़ने के बाद नीचे आए, बहुत ज़ोर से भूख लगी यार। क्या खाऊँ समझ में नहीं आ रहा था। इनका मेन्यू में तो बहुत कुछ दिख रहा था, लेकिन मुझे बैम्बू के अंदर में जो राइस है ना, वो खाना था एक बार यार वियतनाम में। तो मैंने ऑर्डर किया उसका कुछ 100 समथिंग डोंग में, भूल गया यार 200 कितना, मेन्यू भी लेके चल गए। ये देखिए, ये जो है ना बम्बू, ये नीचे में देख रहे हो, इसको फाड़ रहे हैं। ये बम्बू के अंदर में चावल डाल के इसको आग में डाले जाते हैं। और चिकन रोल, ये देखिए मीट, और ये जो है वेजिटेबल, मैं बहुत ही पसंद करता हूँ इसको, ये सब्जी को। जहाँ भी जाता हूँ कोशिश करता हूँ इसको मेरे अपने चावल के लिस्ट में डाल दूँ, कोशिश करता हूँ। देखते हैं यार ये सब कुछ खा पाऊँगा कि नहीं, बहुत भूख लगी थी। देखते हैं फिर, चिकन का एक लेग पीस ख़त्म कर दिए, अब जाते हैं। ये कौन सा कलर है यार, पर्पल। ये राइस मुझे लगता है स्टिकी राइस है यार, गरम गरम है लगता है, अभी बनाया। स्टिकी राइस, हल्का सा नमक डाला यार, मज़ा आ रहा खाने में।
बहुत गजब स्टिकी राइस बम्बू के इसमें डाल के वो भी फ्रेश। अच्छा है लकड़ियों का अच्छा इस्तेमाल करते हुए यहाँ देखने को मिलेगा। सफा सेंटर के बिल्कुल बीच में चार्ट बने हैं यार, बहुत सारे लोग यहाँ पे देखिए आराम से लोग बैठे हैं यार, यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं लोग, बहुत बढ़िया चीज़ है। साफा टाउन मुझे कुछ हिमाचल प्रदेश का शिमला वगैरह सीन जैसा लगा, बस पता नहीं यहाँ पे बर्फ वगैरह गिरता है कि नहीं, देखते हैं जाके। यहीं से तो आए हैं अभी यहाँ एयरपोर्ट, देखिए इन लोग कैसे कर रहे हैं यार, मौसम ठीक नहीं है, हम लोग सही से देख नहीं देख पाए। हाँ मुझे लगता है यहाँ पे बहुत सारे क्रिश्चियन होंगे क्योंकि बुद्धिस्ट है, वियतनामी लोग तो बहुत सारे बुद्धिस्ट है, लेकिन यहाँ बुद्ध के मंदिर वगैरह या टेंपल वगैरह विहार कुछ नहीं दिखे यहाँ पे, लेकिन ज़्यादातर मुझे बीच में देखे तो ये है चार्च जो कि थ्री इडियट्स मूवी में आपने देखे होंगे कई कई जगह पे। ये बच्चे लोग देखे, ये ट्राइबल लोग है, इनका ड्रेस से पता कर सकते हैं। सफा टाउन बहुत ही सुंदर है यार, बहुत ही सुंदर है, लाइफ में एक बार आना चाहिए यार। बहुत ही पुराना चार्च है यार, अंदर जाके देखे फोटो वीडियो नहीं बना पाए, यहाँ पे फ्रेंड्स लोगों का कब्जा रहा हुआ था शायद, जो भी इनका फादर या कोई भी जो भी था वो शेन फेरी और समथिंग लिखा हुआ था। या पहली बार कोई महंगे से लॉन्च पे आया हूँ, ये पैसा लेके आया, आप क्या करें यार, पैसे तो थोड़ा सा ज़्यादा लगा यार, कम से कम 50-60 रुपये ज़्यादा लगा एक इसमें। मैंने मंगाया मैंगो स्मूदी, एकदम रूफ टॉप पे, बड़ा ही मज़ा आ रहा है, गाना बज रहा है यार पीछे में देख सकते हो कुछ इस तरह, ऊपर से साफा कुछ इस तरह दिखता है भाई। और हमारे बिल्कुल बगल में कुछ आर्किटेक्ट जैसे अपने इंडिया में ताज वगैरह कुछ देखे होंगे मुगल्स लोगों ने जो बना के गए हैं, ये कुछ इस तरह है, ये देखिए व्यू है ना गजब। यह टाउन मुझे कुछ वेल प्लान तो लगा यार, सब कुछ एकदम अपने तरीके से किए हुआ है, बिल्कुल सेंटर में देखिए आप, यहाँ देखिए बच्चे खेल सकते हैं, फ़ोटो खिंचा सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पे पूरे राउंड से बैठ सकते हैं, जैसे कि क्या बोलते हैं वो छोटा सा है क्या क्या बोलेंगे, और बिल्डिंग्स पर देखिए वो रहे चार्च जो भी जो कि एकदम सेंटर में है, लोग आ सकते हैं आराम से, और आजू बाजू में इतने सारे रेस्टोरेंट्स हैं ना, आजू बाजू में कैफ़े और रेस्टोरेंट्स वगैरह बहुत सारे मिलेंगे, होम स्टे होटल्स एक से एक यार, और जो यहाँ के ट्रेडिशनल ड्रेस के दुकान बहुत सारे, मुझे बस एक ही फार्मेसी मिले यार यहाँ पे पूरे साफा टाउन में, पूरा पैदल घूमे हम लोगों ने आज, बस एक ही ये दिखे, और टैक्सी और बाइक्स वगैरह भी हर जगह मिलेंगे आपको, पूछते रहेंगे उतना टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, बस आप आ जाइए अपना बैग लेकर उठा के सब कुछ मिल जाएगा यार, इस जगह पे बिल्कुल आ जाइए। ये देखिए कितना बढ़िया व्यू है यार, अब नहीं लग रहा है क्या हिमाचल है, है?
देखिए अपना मैंगो स्मूदी आया है। यहाँ बैठ के अगर आपने आप कभी मैंगो स्मूदी या कोई बनाना स्मूदी पियेंगे तो आपको कितना ही मज़ा आएगा, सोच के देख लीजिए। एकदम फ्रेश मैंगो जैसा लग रहा है, उसका जो छिलका से जो स्मेल आता ना मैंगो का, मुझे लगता है कुछ अच्छा क्रीम वगैरह या कुछ डाले है इसमें। ओह सब लोगों ने अपना, ये देखिए मैंने भी अपना लगा दिया। अलविदा सफा, जाने का तो मन नहीं कर रहा है लेकिन क्या करें, इस तरह से है अपनी बस। हालांग बे में आए और सी फूड बिना खाए तो कुछ हो ही नहीं सकता। देखिए ये मैंने क्या ऑर्डर किया है,